हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे अपन। एनसीईआरटी बेस्ड अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के। आगे बढ़ेंगे गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। नामदेव अकेडमी टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा जैसे लाइव सेशन स्टार्ट होगा। तो देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं अपन। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? आपको आंसर आता है तो बिल्कुल आपको आंसर देना है, बिल्कुल खाली हाथ नहीं बैठना है, साथ साथ में आंसर देते हुए चलना है। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर या एपीकल्चर। क्या आंसर बनेगा गाइज? मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिकल्चर बोला जाता है गाइज। स्पेलिंग पूरी यहाँ पे ये होती है इसकी, एपिकल्चर। पीसी कल्चर किसको कहा जाता है गाइज? मछलियों से कहते हैं। और जो सेरिकल्चर है वो कहलाता है रेशम से संबंधित है। और आपका जो सिल्वी कल्चर है गाइज, सिल्वी कल्चर रिलेट करता है किससे? आपके पेड़ पौधे वन संवर्धन से, वन संवर्धन से संबंधित है गाइज आपका सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्जो बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? बताना है आपको एक्जो बायोलॉजी किससे है गाइज? चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक्जो बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ में, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ में, जिसको कहते हैं एक्जो बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मार्मिकोलॉजी किसका देना है? मार्मिकोलॉजी इसकी जो इंग्लिश टर्म्स होती है गाइज, वो होती है MERMICOLOGY। मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? कीट, चींटी या क्रस्टेशिया या आर्थ्रोपॉड्स। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चींटियों को इंग्लिश में बोला जाता है एंट्स, एंट्स का अध्ययन कहलाता है, चींटियों का अध्ययन कहलाता है गाइज मार्मिकोलॉजी। और गाइज कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ध्यान में रखना है। ठीक है, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, चींटियों का अध्ययन कहलाता है मार्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन गाइज? ऑब्वियसली कीटों का अध्ययन है। और इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइज? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको बर्ड, और इनको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ओके गाइज, कीटों का अध्ययन अभी अभी आपको बताया एंटोमोलॉजी। ठीक है गाइज, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका कहलाता है गाइज पेलेंटो, PALENTOLOGY, पेलेंटोलॉजी। फपुंद बोल दीजिएगा या कवक बोल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए गाइज, पेडियाट्रिक्स आपने नाम सुना होगा, जो बच्चों से संबंधित है। ठीक है, और 3 माह तक का कोई बच्चा है उसके अध्ययन को क्या कहलाते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन कोरोलॉजी, कॉन्कालॉजी, नेमेटोलॉजी या नियोनेटोलॉजी। क्या आंसर बनेगा गाइज क्वेश्चन नंबर 6? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइज, हर क्वेश्चन अपने अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, नए क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। गाइज, इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है NEONATOLOGY, नियो नेटोलॉजी। और गाइज एक है निमेटोलॉजी, ये होता है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं सूत्रकर्मी, उनका अध्ययन कहलाता है निमेटोलॉजी। और इसको बोला जाता है गाइज NEMATOLOGY। तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, निमेटोलॉजी कहलाते हैं जो सूत्रकर्मी होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है, और नियो नेटोलॉजी कहलाते हैं 3 वर्ष तक के नवजात शिशु का अध्ययन। प्राणी और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राणी जीव जंतु हो गए और पेड़ पौधे हो गए। देखिए गाइज, कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जीव जंतु रहते हैं, पादप रहते हैं, तो उनका जो पारस्परिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इनका जो रिलेशन है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, या अपन कहें तो इकोलॉजी, इकोलॉजी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है गाइज? इंग्लिश टर्म्स होती है इसकी एरोनियोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो एरोनियोलॉजी क्या होता है गाइज? मकड़ियों का, मकड़ियों को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है स्पाइडर्स। मकड़ियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एरोनियोलॉजी। मधुमक्खी अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने देखा एपिकल्चर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष और वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी या फसलें उगाने की कला। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिएगा गाइज, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष और वनस्पतियों की खेती से संबंधित। वृक्ष संवर्धन और गाइज वन संवर्धन होता है जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्परिवर्तन का मतलब जैसे कि कोई चीज़ काट के फेंक दी तो वो वापिस से आ जाना उगना, क्या आंसर बनेगा इसका? आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है गाइज? क्वेश्चन नंबर 11, ऑन्कोलॉजी ONCOLOGY किसका अध्ययन है गाइज? पक्षियों का अध्ययन होता है क्या? कैंसर का होता है क्या? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है गाइज ऑर्निथोलॉजी। स्तनपाई मैमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमेलियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होता है और एंटीजन होते हैं इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है गाइज? ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, गायनेकोलॉजी, सीरोलॉजी या बायोलॉजी। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताना आपको? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइज? इक्थियोलॉजी, मार्मिकोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। आप वीडियो पूरा देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे गाइज। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LAPIDETERIOLOGY। मार्मिकोलॉजी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन होता गाइज? एक तो चींटी का बताया था मैंने, कीट का बताया था, एक बताया था मैंने एंट है, चींटियाँ होती हैं, एंट्स चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन बताया था मार्मिकोलॉजी। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है गाइज? ये मछलियों से संबंधित है, मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। PHILOGY इक्थियोलॉजी है, मछलियों से संबंधित है। मार्मिकोलॉजी किससे है? चींटियों से संबंधित है। लेपिडेटेरियोलॉजी किससे है? तितलियों से। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा ये क्वेश्चन आ गया अपने पास में, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी किसका हो गया? तितलियों का। इक्थियोलॉजी क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है अपना इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष कौन से है? सजावटी वृक्ष। नॉर्मल वन संवर्धन होता है, नॉर्मल वन संवर्धन को क्या बोला जाता है गाइज? सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर। और सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्बोरी कल्चर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्बोरी कल्चर, ARBORICULTURE, आर्बोरी कल्चर। प्रतिरक्षा तकनीकी का विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरक्षा तकनीकी का विकास किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर बनेगा? प्रतिरक्षा तकनीकी, इसका विकास किया गया था गाइज एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, साथ ही साथ में दूध का पाश्चराइजेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी बताना है। और पक्षी विज्ञानी किसको कहा जाता है भारत के अंदर? ये पक्षियों से संबंधित सलीम अली से, सलीम अली को माना जाता है। ऑर्निथोलॉजी आंसर हो जाएगा अपना पक्षियों का अध्ययन।
मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के अंदर बुद्धि और चतुराई का सेंटर पॉइंट क्या चीज है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों पार्ट किसके गए? तीनों पार्ट अपने ब्रेन के हैं। इनमें से बताना है आपको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19, सूंघने की क्षमता को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल तो किससे संबंधित हो गई, अपनी आंखों से हो गया। घ्राणेन्द्रिय, सेरिब्रम ब्रेन से हो गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, आंसर देते रहिएगा इसी तरीके से, घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सबसे आउटर लेयर पूछा गया गाइस मस्तिष्क की, पियामीटर या ड्यूरामीटर, क्या आंसर बनेगा गाइस? मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर सी। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता किसी भी प्रकार का? ऑप्शन ए, बी, ए बी या ओ, किसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता गाइज? आंसर हो जाएगा ओ, ओ ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ओ। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? एंटीबॉडी के बारे में पूछा गया है, किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ए बी, ए बी या ओ, आंसर दीजिएगा किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? आंसर हो जाएगा ए बी, ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है गाइज नॉर्मल? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80। और जो मेजर किया जाता है उसके अंदर कौन सा धातु काम में लिया जाता है गाइज? मरकरी, मरकरी का लेवल मेजर किया जाता है। खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पूछा गया है पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? किस फॉर्मेट के अंदर स्थानांतरण होती है, ट्रांसफर होती है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुक्रोज के रूप में। ध्यान में रखना है आपको, सुक्रोज के रूप में होता है खाद्य पदार्थों का पौधों में जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। और गाइस ये जो भोजन है ये फ्लोएम के द्वारा फ्लो होते हैं, ठीक है, और पानी है गाइस, पानी जाइलम के द्वारा फ्लो होते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है? दहन होता है या अपघटन होता है, संश्लेषण होता है, परिवर्तन होता है, क्या होता है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या प्रोसेस होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विघटन, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन भारी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचती है? कौन सी रिएक्शन है जिसके द्वारा पौधों के अंदर ऑक्सीजन है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचती है? पौधों के अंदर ऑक्सीजन किस प्रोसेस के द्वारा पहुँचती है भारी वातावरण से? आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण के द्वारा, इंग्लिश में बोला जाता है जिसको डिफ्यूजन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है गाइस? ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए कोशिकाएं किसका यूज करती हैं? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं किसका प्रयोग करती हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, प्रोसेस का नाम बताना है जिसके द्वारा श्वास को ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, वो कहलाता है गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है गाइज, लार में, मुंह के अंदर लार होती है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइलिन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है किसके अंदर? लार में। तो टाइलिन क्या चीज़ है? एक एंजाइम। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आंसर दीजिएगा, अमीबा है वो भोजन को किस प्रकार से अंतग्रहण करती है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30? आंसर हो जाएगा कूटपाद, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। शरीर का टेम्परेचर कहाँ से कंट्रोल होता है गाइज? ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा हिस्सा होता है जिसके द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है? आंसर दीजिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित होता है गाइज? मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य के अंदर ऐच्छिक है, एक तो होती है गाइज ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। जो ऐच्छिक गतिविधियाँ हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेरिब्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है गाइज? लार, थायराइड, यकृत या आमाशय? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 33। आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको लीवर भी बोला जाता है, जिसको जिगर भी बोला जाता है। ओके गाइज, कई टर्म्स इसको बोले जाते हैं। लीवर, यकृत, जिगर एक ही नाम है, सभी के सभी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन? ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी किया जाता है? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा। हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किससे होती है, यानी किसके साथ में इसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बॉन्ड बन जाता है हीमोग्लोबिन का? अधिकतम बंधुता किससे होती है? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए? इसकी होती है गाइज कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे के अंदर कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का इस तरीके से हो जाता है कि पूरा का पूरा ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त का रंग लाल होता है, ह्यूमन ब्लड का जो कलर रेड होता है किसकी वजह से होता है गाइज? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है ह्यूमन ब्लड का रंग है लाल किसकी वजह से होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर होता है फेरिक होता है, फेरिक का मतलब इसके अंदर होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? कौन सा तत्व मौजूद होता है गाइज? क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लोहा। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, बताइएगा? श्वसन रंजक कौन सा है मनुष्य के अंदर? श्वसन रंजक, चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 38? आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, हीमोग्लोबिन। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, पलिया या परिसोदिका? पलिया को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लिन, अस्थिमज्जा को बोन मैरो, यकृत लीवर आपको पता है, तो इन दोनों में से अपना करेक्ट आंसर बनेगा। एक के अंदर उत्पादन होता है, एक के अंदर नष्ट होता है। आंसर हो जाएगा पलिया। पलिया को कब्रिस्तान बोला जाता है और बोन मैरो के अंदर अस्थिमज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड कॉर्पुकल्स जिनका जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुकल्स है, आपको बताना है कि इनका मेन उद्देश्य क्या है, WBC का मेन उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। WBC का मेन उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इनका? आंसर हो जाएगा यहाँ पे संक्रमण से संघर्ष करना। देखिएगा इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आता है तो आपका जो WBC लेवल का है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य कि संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे संघर्ष करना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा WBC कौन सा है गाइज, आपको बताना है किसके अंदर होता है? लसिकाणु या मोनोसाइट या बिंबाणु या रक्ताणु? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट, एक केंद्रक अणु वाला। जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ह्यूमन ब्लड के अंदर बाहर से कोई चीज़ आ जाती है,
तो यानी इन्फेक्शन हो गया, बाहर से कुछ आ रहे हैं ब्लड के अंदर, यानी इन्फेक्शन हो गया। तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, आरबीसी करता है डब्ल्यूबीसी करता है, बताइएगा। आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, जो भी रोग प्रतिकारक हैं उनको उत्पन्न कौन करता है, आरबीसी करता है, न्यूट्रोफिल करता है, लिम्फोसाइट करता है, या प्लेटलेट्स करती हैं। रोग प्रतिकारक जैसे कि जो डब्ल्यूबीसी है, इनको उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, देखिएगा आज एड्स किसकी वजह से फैलता है, विषाणु की वजह से, ना कि जीवाणु। तो एड्स किसकी वजह से फैलता है गाइस, वायरस की वजह से। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एड्स का वायरस आ गया तो वो किसको नष्ट करने लगेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट ही वो है जो रोग प्रतिकारकों से, इनसे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी वो जो भी है उत्पन्न करता है। तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंटीजन या प्रतिजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी जीवित जीवों के अंदर अगर एंटीजन का उत्पादन को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, बताइएगा, ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर कुछ हिस्सा गाइस प्लाज्मा का होता है, कुछ हिस्सा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, प्लाज्मा होता है जो 55% होता है, किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा, और एड्स के विषाणु इसी को ख़त्म कर देते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिम्फोसाइट। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, एंजाइम्स के बारे में पूछा गया, विटामिन होता है के, एंजाइम कौन सा होता है जो ब्लड का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर दीजिएगा गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंजाइम है जो ब्लड का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, जो ब्लड ग्रुप है गाइज ए बी ए बी ओ, ये जो ब्लड ग्रुप है गाइज इनके खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर, लिवेनहॉक, लियनर या लिवाइन, आंसर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, लिवेनहॉक ने खोज की थी गाइज जीवाणु की, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है बैक्टीरिया। और विषाणु की खोज किसने की गाइज, विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, और विषाणु की खोज की थी गाइज इवान वॉस्की ने, दोनों ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताइएगा गाइज, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किसका हिस्सा है गाइज, यकृत लीवर का है, हार्ट का है, ब्रेन का है, किसका हिस्सा है, सेरेब्रम, सेरेब्रम किसका हिस्सा है, सेरेब्रम मस्तिष्क ब्रेन का हिस्सा है। तो गाइज ये था अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें अपन ने फिर से टॉप 50 क्वेश्चन किए। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या सिंपल सा सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में नामदेव अकेडमी के नाम से। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।